हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नाउ टुडेज़ टॉपिक इज राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशंस एंड रिप्लाइज। आज का जो हमारा विषय है वह औपचारिक और अनौपचारिक आमंत्रण और उसके रिप्लाइज यानी उत्तर का है। इन आवर सोशल डीलिंग्स इनविटेशंस ऑक्यूपाई अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस। हमारे सामाजिक व्यवहार बर्ताव में आमंत्रण का एक विशिष्ट स्थान होता है। इनविटेशन यानी आमंत्रण दो प्रकार से हो सकते हैं। इनविटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। इनविटेशंस आपको स्क्रीन पे फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन के टाइप्स दिखाए गए हैं। फॉर्मल इनविटेशन भी दो तरह से लिखे जा सकते हैं, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड, छपवाकर और बिना छपवाए हुए। फॉर ऑस्पिशियस ओकेशंस दैट इज वेडिंग, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, इनॉग्रेशन, नेम ऑफ द एड्रेस ही नॉट इंक्लूडेड। कोई भी मंगलकारी कार्यक्रम जैसे कि शादी, जन्मदिन, शादी समारोह, शादी की वर्षगांठ या उद्घाटन, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन, इसमें दिए पत्र के पाने वाले का नाम उल्लेखित नहीं होता शुरू में। नॉन प्रिंटेड में फॉर ऑस्पिशियस ओकेशन एज मेंशन्ड अबव, जो ऊपर यही अभी हमने जो पढ़े वही सब हो सकते हैं। और इसमें नेम ऑफ द एड्रेस ही अपीयर्स होता है, यानी पत्र को प्राप्त करने वाले का नाम इसमें लिखा होता है। सिमिलरली इनफॉर्मल इनविटेशन जो होते हैं, अनौपचारिक आमंत्रण होते हैं, ये भी मंगलकारी ओकेशंस यानी ऑस्पिशियस ओकेशंस में लिखे जाते हैं एज मेंशन्ड अबव, जो अभी हमने प्रिंटेड में नॉट प्रिंटेड में देखा, इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लेटर, और ये व्यक्तिगत पत्र के रूप में हो सकते हैं, यूजुअली वेरी ब्रीफ और बहुत ही छोटे होते हैं। नेम ऑफ द एड्रेस ही अपीयर्स, और इसमें पत्र को प्राप्त करने वाले का नाम लिखा होता है। राइटिंग रिप्लाइज, आंसर का लेखन कैसे होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। व्हेन यू रिसीव एन इनविटेशन यू नीड रिप्लाई, जब आप कोई आमंत्रण प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आपको उत्तर की ज़रूरत पड़ती है कि उस निमंत्रण के उसमें हमें आंसर देना होता है। राइटिंग ऑफ रिप्लाइज इन्वॉल्व्स अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म एंड स्टाइल, जो लेखन होता है या लिखना होता है रिप्लाइज यानी आंसर का किसी भी इनविटेशन का, उसमें एक स्टैंडर्ड, एक मतलब एक निश्चित स्टैंडर्ड होता है, उसकी एक निश्चित फॉर्म और स्टाइल होती है। अ फॉर्मल रिप्लाई इज़ यूजुअली वेरी स्पेसिफिक, एक औपचारिक उत्तर जो होता है वह बहुत ही विशिष्ट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, और संक्षिप्त और बिंदुवार होता है। इट इज़ रिटन इन अ फॉर्मल टोन, और यह औपचारिक टोन या भाषा के रूप में लिखा जाता है। एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन्वॉल्व्स पर्सनल फीलिंग्स, जबकि एक अनौपचारिक रिप्लाई जो होता है उसमें व्यक्तिगत भावनाएं उसमें थोड़ी बहुत डाली जा सकती हैं। इट इज़ रिटन इन एन इनफॉर्मल टोन, और उसमें अनौपचारिक टोन भी या अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। लेंथ ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाइज शुड नॉट एक्सीड 50 to 60 वर्ड्स, लेकिन दोनों ही जो फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक उत्तर होते हैं उसमें शब्दों की सीमा 50 to 60 के बीच ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। फॉर्मल इन्विटेशन इन अ ब्रैकेट प्रिंटेड टू बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, एक औपचारिक आमंत्रण है, प्रिंटेड यानी छपकर, जो प्रिंटिंग प्रेस से छपकर के जो मिला है मान लीजिए उसका है, किसी जन्मदिन पार्टी के समारोह का। वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर ग्रेसफुल प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ अवर सन तन्मय एट अवर रेसिडेंट A56 पटेल नगर इंदौर। अब वी रिक्वेस्ट यानी हम क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, द प्लेजर ऑफ योर ग्रेसफुल, आपके ग्रेसफुल प्रेजेंस यानी आपकी उपस्थिति के का आनंद लेने का अनुरोध कर रहे हैं। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन, किस लिए, ओकेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ अवर सन, मतलब हमारे पुत्र तन्मय के जन्मदिन के शुभ मंगल अवसर पर, कहाँ पर, एट अवर रेसिडेंस A56 पटेल नगर, हमारे निज निवास A56 पटेल नगर में इंदौर, एट 7:30, कितने बजे, 7:30 PM शाम को, 1st August 2020। बहुत ही ब्रीफली हमने पूरी बात लिख दी। विनोद शर्मा, सुमन शर्मा, मोबाइल नंबर।
किसके बेटे का ये इनविटेशन पत्र है? विनोद शर्मा जी और सुमन शर्मा जी के बेटे तन्मय का। तो आप देखेंगे छोटे से शब्द में, बहुत ही लिमिटेड शब्द में इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसके रिप्लाइज क्या हो सकते हैं? हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से इस आमंत्रण के रिप्लाई यानी आंसर देखेंगे, साथ ही साथ इनेबिलिटी वाले आंसर भी हम देखेंगे कि हम यदि उपस्थित नहीं हो सकते तो वो कैसे लिखे जाएंगे। आ फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस टू द इनविटेशन, एक औपचारिक रिप्लाई यानी उत्तर इनविटेशन यानी आमंत्रण के स्वीकारोक्ति का क्या हो सकता है? सबसे ऊपर हेडिंग में डेट डलेगी, नेक्स्ट डियर मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर शर्मा लिखा, थैंक्स फॉर इनविटेशन टू द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ योर सन, आपके पुत्र के जन्मदिन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अटेंड द सेरेमनी, मैं अपना पूर्ण कोशिश करूँगा इस समारोह में आने की। योर्स तुम्हारा सुधीर चंद्र, एकदम फॉर्मल शब्दों में एक ये जो रिप्लाई है एक्सेप्टेंस का इनविटेशन के वो दे दिया गया। अ फॉर्मल रिप्लाई टू द इनविटेशन शोइंग इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, एक फॉर्मल रिप्लाई कैसा हो सकता है इस आमंत्रण का, ये शो करने के लिए कि इस इनविटेशन में हम नहीं उपस्थित हो जा पा रहे हैं। इनएबिलिटी मतलब हम असक्षम हैं आने के लिए। इसमें भी ऊपर डेट डालेंगे, डेट डियर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा सिमिलरली इसमें भी लिखा गया, थैंक्स फॉर द इनविटेशन टू द बर्थडे ऑफ योर सन, आई रिग्रेट माय इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट देयर ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट्स, तुम्हारे पुत्र के जन्मदिन में बुलाने के लिए मैं आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, मुझे ये इस बात का दुख है, रिग्रेट करना यानी पश्चाताप करना, माई इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट देयर ऑन, वहाँ पहुँचने की जो मैं एक असक्षमता तुम्हें बता रहा हूँ, ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट्स मतलब मेरे पुराने कुछ ऐसे प्रीवियस काम है या एंगेजमेंट है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता, प्लीज़ कन्वे माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा हृदय से बधाई उसे प्रेषित कीजिएगा, एंड बेस्ट विशेस टू हिम और मेरी शुभाशीष उसे दीजिए, योर्स सुधीर चंद्र। एन इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ द एक्सेप्टेंस टू द इनविटेशन, अब इनफॉर्मली किस तरह से इनविटेशन यानी आमंत्रण की स्वीकार करने का उत्तर दे सकते हैं? 45 टीचर्स कॉलोनी नीमच 25 जुलाई 2020, इसने एक एड्रेस डाला है, ये एड्रेस जो एक्सेप्ट किया है इस इनविटेशन को उस के तरफ का ये एड्रेस है। डियर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, प्रिय मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू नो दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर सन्स बर्थडे, यह जानकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मनाने जा रहे हैं आपके बच्चे का जन्मदिन, आई शैल बी वेरी मच डिलाइटेड टू बी देयर ऑन द ओकेशन, मुझे वहाँ पहुँच कर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, एंड विश हिम अ वेरी सक्सेसफुल कैरियर, उसके सफल जीवन की कामना करते हैं, विथ रिगार्ड्स सादर योर सिंसियरली सुधीर चंद्र। ये एक हो गया इनफॉर्मल रिप्लाई, किसी पत्र को प्राप्त करके उसके एक्सेप्टेंस का यानी उस इनविटेशन में जाने का क्या हो गया, एक अनौपचारिक उत्तर हो गया, इनफॉर्मल रिप्लाई हो गया। नेक्स्ट, एन इनफॉर्मल रिप्लाई शोइंग इनएबिलिटी टू अटेंड, अब इनफॉर्मली रिप्लाई क्या हो सकता है यदि हम नहीं जा रहे हैं तो? फिर से हमने एड्रेस वही लिखा, 45 टीचर्स कॉलोनी नीमच 25 जुलाई 2020, डियर मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, प्रिय मिसेज और मिस्टर शर्मा, आई वॉज सो ग्लैड टू रिसीव द इनविटेशन, इस बात को खुश प्राकर में बहुत खुश था, ऑफ तन्मय'स बर्थडे, तन्मय के जन्मदिन की विषय पार्टी के विषय में, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी प्रेजेंट देयर, क्योंकि मैं वहाँ नहीं आ सकता या उपस्थित नहीं हो सकता, ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्शन ड्यूटी
चुनाव की ड्यूटी की वजह से। आई एम सेंडिंग अ बुक फॉर हिम एज अ टोकन ऑफ लव, मैं प्रेम के साथ में या बहुत ही प्यार से उसके लिए किताब भेज रहा हूँ। कन्वे माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, हृदय से मेरा बधाई उसे प्रेषित कीजिएगा, एंड बेस्ट विशेस टू हिम, और उसे शुभाशीष दीजिए या उसके लिए बेस्ट विशेस है। तो इसमें थोड़ी सी पर्सनल फीलिंग आ गई, इसलिए ये एक इनफॉर्मल रिप्लाई हो गया। जैसे आई एम सेंडिंग अ बुक फॉर हिम एज अ टोकन ऑफ लव, तो ये पर्सनल फीलिंग यहाँ पर इंक्लूड हो गई, इसलिए इनफॉर्मल रिप्लाई से कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक इनफॉर्मल इनविटेशन है टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अ शॉप, एक अनौपचारिक आमंत्रण है उद्घाटन समारोह का किसी दुकान का। 14 थानसेन रोड ग्वालियर, 10 अप्रैल 2020, ये एड्रेस लिखा हुआ है जिसने इनविटेशन दिया है। इनफॉर्मल इनविटेशन में जिसने इनविटेशन दिया है उसका एड्रेस ऊपर होगा। डियर संजय, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ आवर न्यू शॉप मनीष इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 15th May। इस बात को बताते हुए इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट यू, मुझे ये बहुत खुशी हो रही है तुमको आमंत्रित करते हुए मेरी जो दुकान है, नई दुकान है मनीष इलेक्ट्रॉनिक के उद्घाटन समारोह में इन्वाइट करने के लिए। ऑन 15th May, मतलब 15 मई को एट द तानसेन रोड ग्वालियर में ये होने जा रही है। लोकल MLA विल बी द चीफ गेस्ट, और लोकल MLA जो हैं इसके मुख्य अतिथि होंगे। डू जॉइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इस मंगलकारी दिन में जरूर सम्मिलित हो। योर सिंसियरली सुब्रता। फॉर्मल इनविटेशन नॉट प्रिंटेड। अब एक अनौपचारिक आमंत्रण कैसे होता है? नॉट प्रिंटेड, लेटर ऑफ इनविटेशन टू द MLA को एक पत्र लिखना है ऑफ योर एरिया, जो हमारे एरिया के हैं, टू ऑफ योर एरिया मतलब तुम्हारे एरिया के, टू बी द चीफ गेस्ट एज द चीफ गेस्ट एट द एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह में एज अ चीफ गेस्ट उनको बुलाना है। उसके लिए हमें एक इनविटेशन पत्र किन्हें लिखना है? MLA को हमारे एरिया के। कैसे लिखेंगे? स्कूल के तरफ से है, ऊपर हेडिंग डाल देंगे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, 10th December 2019, डेट भी मेंशन होना चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, किन के लिए यूज होगा ये? MLA के लिए। इट वुड बी अ मैटर ऑफ ग्रेट हॉनर टू अस इफ यू स्पेयर सम ऑफ योर प्रीसियस टाइम टू इनॉग्रेट द एनुअल फंक्शन ऑफ अवर स्कूल एज चीफ गेस्ट, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी यदि आप अपने कीमती समय में से कुछ समय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्कूल के वार्षिक समारोह के उद्घाटन के लिए निकालेंगे। द एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन December 23, 2019, वार्षिक समारोह होने जा रहा है 23 दिसंबर 2019 को। काइंडली कन्फर्म योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द डेट, आपकी सौम्य उपस्थिति को के लिए कृपया सूचित कीजिए। डेट 23 दिसंबर 2019, वेन्यू स्कूल कल्चरल हॉल ST, प्रिंसिपल नीचे जो सिग्नेचर होगी या जो जिसके थ्रू लिखा जाएगा वो अपना प्रिंसिपल अपना नाम या अपना पद लिख करके सिग्नेचर कर देंगे। ये हुआ एक फॉर्मल इन्विटेशन। अब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इनविटेशन टू बी प्रिंटेड, यू आर राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, राइट द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर। एक इनविटेशन, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, आपका स्कूल वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है, एक फॉर्मल इनविटेशन को ड्राफ्ट करना है, वो भी प्रिंटेड होना चाहिए। यू आर राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल की तरफ से लिख रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, और इस क्वेश्चन में अपने चीफ गेस्ट का नाम भी लिखना है एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर, और गेस्ट ऑफ ऑनर जो होंगे उनका भी नाम इसमें मेंशन होना चाहिए। तो कैसे ये एक फॉर्मल इनविटेशन लिखा जाएगा,
देखिए आंसर में लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मीन्स कोई भी जो स्कूल जिसका एनुअल फंक्शन होगा उसका हेडिंग में नाम होगा कोऑर्डियली इनवाइट्स यू टू इट्स एनुअल फंक्शन विच इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 22 December 2020 to 23 December 2020। आपको आमंत्रित किया जा रहा है वार्षिक उत्सव में जो होने जा रहा है 22 December 2020 से, तो 23 December 2020 में के बीच में एज पर प्रोग्राम लिस्टेड बिलो जो कार्यक्रम है वो नीचे लिखे हुए हैं। मिस्टर YN मेहता डिप्टी कमिश्नर आदिवासी विकास हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। जो आदि विकास विभाग के डिप्टी कमिश्नर हैं वे YN मेहता जो हैं इसके चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि हैं। एंड मिस्टर BN शुक्ला और मिस्टर BN शुक्ला द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज छिंदवाड़ा विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। और यह गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में BN शुक्ला जी PG कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। रुपेश दुबे की तरफ से प्रिंसिपल के तरफ से रुपेश दुबे ने ये फॉर्मल इन्विटेशन लिखा हुआ है। प्रोग्राम की डिटेल नीचे यहाँ पर देना ज़रूरी होगा। इनॉग्रेशन 22/12/2020 9 AM। उद्घाटन का समय 22 December 2019 सुबह 9 बजे। लिटरेरी प्रोग्राम्स 12 बजे। कल्चरल प्रोग्राम्स 8 बजे शाम। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 23/12/2020 4 PM शाम के 4 बजे। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू अटेंड द कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑन IIT JEE एंड PMT। एक फॉर्मल इन्विटेशन यानी फॉर्मल औपचारिक पत्र लिखना है टू द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के स्टूडेंट को, टू अटेंड द कैरियर काउंसलिंग, स्कूल के कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, टू बी हेल्ड इन योर स्कूल जो तुम्हारे स्कूल में हो रही है ऑन IIT JEE and PMT IIT JEE and PMT के लिए। आंसर में गुना पब्लिक स्कूल गुना मध्य प्रदेश रेफरेंस कैरियर 20 IIT JEE PMT। डेट यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। अब हम टू सचिन दुबे 53 गायत्री वार्ड गली नंबर 9 गुना मध्य प्रदेश सब्जेक्ट कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑन IIT JEE PMT रिफर टू योर एप्लीकेशन डेटेड 31 July 2020। यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट काउंसलिंग प्रोग्राम ऑन IIT JEE PMT is arranged on 20th August 2020 from 9 AM onwards. You are required to bring photo state copies of all your documents along with other details. Report yourself at the reception counter at AM venue Guna Public School Guna Assembly Hall. ऑर्गेनाइज़र IIT JEE PMT गुना पब्लिक स्कूल गुना, मतलब IIT JEE PMT गुना पब्लिक स्कूल जो है वही इसका ऑर्गेनाइज़र है। तो यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, मतलब आपको यह सूचना दी जाती है कि काउंसलिंग प्रोग्राम ऑन IIT JEE PMT इज़ अरेंज्ड ऑन 20 अगस्त 2020 को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है फ्रॉम 9 AM सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आपको अपनी फोटो स्टेट कॉपीज जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर के आना ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ अदर डिटेल्स रिपोर्ट योर सेल्फ एट द रिसेप्शन काउंटर एट 8 AM सुबह 8 बजे जो रिसेप्शन काउंटर में है उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के डिटेल्स की रिपोर्टिंग करना है। वेन्यू कहाँ पर है, प्लेस कहाँ पर हो रहा है ये कार्यक्रम, गुना पब्लिक स्कूल गुना असेंबली हॉल में।
अब ये तो हुआ बच्चों को इन्फॉर्म करने का। अब राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ड्यू टू सम रीज़न। अब आपको अपने तरफ से ये लेटर तो मिला स्कूल की तरफ से करियर काउंसलिंग का, अब आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका जो एक फॉर्मल रिप्लाई होगा वो एक्सप्रेस करने का कि आप नहीं क्यों नहीं जा पा रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो उसके लिए कैसे आप लिखेंगे, टू द ऑर्गेनाइज़र IIT JEE PMT गुना पब्लिक स्कूल गुना मध्य प्रदेश। किसको लिखेंगे, जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज़र है उसी को लिखेंगे ना, तो ये यहाँ पर उनका पूरा डिटेल लिख दिया। लिखने का प्रोसेस आप देख ही रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में टू द ऑर्गेनाइज़र IIT JEE PMT semicomma गुना पब्लिक स्कूल semicomma गुना MP, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। सर आई एम इन रिसीप्ट ऑफ योर लेटर नंबर कैरियर IIT JEE PMT डेटेड 17 अगस्त 2020। मैंने आपका पत्र प्राप्त किया कैरियर काउंसलिंग का 17 अगस्त 2020 को। थैंक यू फॉर द सेम, आपको इसके लिए धन्यवाद। एज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, मैं फॉर 10 डेज, मैं पिछले 10 दिनों से वायरल फीवर से ग्रसित हूँ। आई हैव बिकम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द काउंसलिंग प्रोग्राम, इसीलिए मैं काउंसलिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकता। काइंडली एक्सक्यूज़ माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति को माफ़ कीजिए। यू आर फेथफुली सचिन दुबे, आपका विश्वसनीय सचिन दुबे, 5350 गायत्री वार्ड गली नंबर 9 गुना मध्य प्रदेश। तो ये हुआ एक फॉर्मल रिप्लाई नहीं जाने का उस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द मैरिज इनविटेशन ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई मतलब एक अनौपचारिक उत्तर लिखना है एक्सेप्टिंग द मैरिज इनविटेशन ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर, इनविटेशन ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर्स, आपके फ्रेंड के सिस्टर की शादी का एक समारोह, शादी का जो निमंत्रण है उसके लिए एक इनफॉर्मल रिप्लाई आप कैसे करेंगे कि आप उस शादी में आ रहे हैं। तो डियर सुधीर, नमस्ते, आई होप यू आर क्वाइट ओके देयर। डियर प्रिय सुधीर, नमस्ते, मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ भली भांति ठीक होंगे। आई रिसीव्ड द इनविटेशन कार्ड ऑफ द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, मुझे आप तुम्हारी बहन के शादी का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। एंड बिकम वेरी ग्लैड टू नो दैट यूअर फैमिली वॉज एबल टू फाइंड अ सुटेबल लाइफ पार्टनर फॉर योर सिस्टर, और यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे परिवार ने एक अच्छा लाइफ पार्टनर खोज लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। आई विल सर्टेनली अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, मैं निश्चित रूप से शादी समारोह अटेंड करूँगा। I will reaching there on 18th March, और मैं पहुँच जाऊँगा 18 मार्च को रेस्टोरेंट मीटिंग, बाकी सब मिलने पर। योर ट्रू फ्रेंड्स, तुम्हारा सच्चा मित्र राम अवतार सिंह। तो स्टूडेंट्स, ये हुए कुछ फॉर्मल इन्विटेशंस, उनके फॉर्मल रिप्लाइज, फॉर्मल एक्सेप्टेंस या फॉर्मल इनेबिलिटी शोज जो कर सकते हैं, या इनफॉर्मल इनेबिलिटी शो कर सकते हैं किसी आमंत्रण की, तो वो कैसे लिखते हैं ये उदाहरण सहित हमने देखा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।